क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए सेट बी बताऊंगा। अच्छे से सोल्व करा रहा हूं, आप तो कंप्लीट करो, 100% इसी में से आने वाला है प्रश्न पूरे के पूरे। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञेय। हिम्मत रंगिनी के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ठीक है। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? देखो बाजार जो ना विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? आंचलिक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या है? प्रेमा है। थल थल में बसता है डिडेस ही शिव ही। चरण सरोज पखारन लगा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक। रेल शब्द जो है, रेल शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। रेल क्या है? विदेशी शब्द है। हम पे हाथी, हम हाथी पे हल जो ना जो दुबाया, हम तो पे बेल है। डाडे तिब्बत की जो डाडे है, डाडे तिब्बत में सबसे खतरनाक खतरे की जगह है। सांवले सपनों की याद, संस्मरण की विदा रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका जोड़ी, यहाँ से देखना है ये सही जोड़ी है। कामायानी का आ जाएगा आपका महाकाव्य। चपला देवी द्विदी युग। आकाश का आ जाएगा नवगगन। गोपाल प्रसाद का जाएगा वकील। प्रसिद्ध संत स्मरणकार महादेवी वर्मा। चांदी का जो कटोरा है वो आ जाएगा महात्मा गांधी। हो गया इतना। अब है आपका यहाँ पर सत्य सत्य, यहाँ से देखो ध्यान से। छायावाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं असत्य है, क्योंकि जय शंकर प्रसाद माने जाते हैं। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, बिल्कुल राइट बात है। आज जो है ना बाजार पूरा विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा। अच्छा, विलासिता का मतलब क्या है? मतलब कि उसमें पूरा ही पूरा अपने को लुभावनी चीज़ें मिलेगी। पैसे लेके जाओ 10,000 बाजार में और शाम तक जेब खाली करके आ जाओ। ये सामान ले लूँ, उसे कहते हैं विलासिता की सामग्रियाँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ कि कम है क्या? देखो विलासिता की सामग्रियाँ बाजार में कम मिलती नहीं, ज़्यादा मिलती है, असत्य हो जाएगा। ही मात्र भर निपात शब्द है, ये आपका एकदम राइट रहेगा। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ये असत्य रहेगा। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी थी, ये आपका असत्य रहने वाला है। रसखान किसके भक्त थे? रसखान जो है ना श्री कृष्ण के भक्त। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो संचारी भावों की संख्या 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा। पर दादी ने आधा लोटा पानी किसको पिला दिया? चोर को। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। हो गया इतना। ये देखो भैया, अब यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर मैंने ये लिखा था इसे कि संचारी भावों की संख्या 33 है, लेकिन छल को 34 माना गया है। ये किसने बताया? महाकवि देव ने। अब ये गिनती में क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई साहब जो बड़े बड़े विद्वान है ना, उन्होंने कह दिया अरे वाह आई नहीं, ये तो हो गया खत्म। ये उनको लिस्ट में नहीं लिया बेचारे का छोटा मोटा का, ठीक है। तो इसलिए 33 ही माननी है, मतलब इस चौथे को प्राथमिकता नहीं मिली। आ गया राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नई कविता की दो विशेषताएं लिखते हुए दो कवियों के नाम लिखिएगा। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? कालांदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? समझाइए। सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिएगा। रौद्र रस की परिभाषा लिखिए। हो गया। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, सवैया छंद की परिभाषा आपको देनी है, उदाहरण सहित बताना है। नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। ये हो गया यहाँ से।
रेखा चित्र किसे कहते हैं, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए, प्रेमचंद की दो रचनाओं के नाम, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा, ध्यान से देखते जाओ, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लो, है ना। समास किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ भाव प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, पका पकी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान, काली तू क्रजनी की काली, शासन की करनी भी काली, ये आपको यहां से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये ध्यान से देखो, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन अंतिम देखते हैं, तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, यहाँ से अपने को देखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अथवा जाएगा, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे।